स्त्री है। हाँ है तो पति वार्ता। ए माता तुम सही कहो, पति वार्ता नहीं पतिव्रता। हाँ वह मतलब है राजा वनराज, विश्वास हो गया हो तो अब मेरे पति का सर लौटाने की कृपा करो। चलो देवी, अब मुझे भली प्रकार से विश्वास हो गया है। देवी शीघ्र लाओ। हे पति के शीश, चलो लेके चलती हूँ लंका को, सानंद सती होती हूँ। लौट इसलिए आई हे लक्ष्मण, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती? और तुमने मेरे पति का वध किया है ना? हाँ देवी। याद रखना लक्ष्मण। बोलो। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान। कि तुम ये नहीं जानते ये लड़ाई तुम दोनों की नहीं थी, इसमें लड़ाई तो दो सतियों की चल रही थी। जानते हो लक्ष्मण? बोलो सुलोचना। कि इस वोरी अकेली मैं ही थी, उस वोरी साथ में सी आए। बैठी उर्मिला अयोध्या में, और इधर मेरे लंका में बैठी सीता, इन दोनों का सत मिलकर के मुझे हराया, वरना मैं रण में हारने वाली नहीं थी। चलो ठीक। और याद रखना, कभी नाम मत लेना कि मैंने घननाथ का वध कर दिया। जिस दिन ऐसा नाम लोगे उस दिन तुम्हारी रण में विजय होगी और तुम्हारा अहंकार नष्ट। ठीक है। हनुमान, मैं अब यह बात की संशय हो रही है। कौन सी बात राजन? कि आज यह शीश इस रामादल में हंसा तो, परंतु हंसा किस कारण से? आज इस प्रभु से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। हेलो, हे आगे हमारे भाई साहब श्रवण कुमार मौर्य, उनकी तरफ से 10 रुपया पार्टी के लिए इनाम में आए हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। राजन, यदि तुम ये बात पूछना चाहते हो तो निसंकोच प्रभुवर से पूछ सकते हो। सत्य कहते हो प्रभु? महाराज सुग्रीव, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात? यह रामादल में जो मेघनाथ का शीश
हंसा हुआ, परंतु इस किस बल से हंसा प्रभु, किस बल से हंसा? महाराज सुग्रीव, वैसे तो तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। उस मेघनाथ का कटा हुआ शीश इस रामादल में किस कारण से हंसा? हाँ प्रभु। अरे सुग्रीव, जिस समय सुलोचना ने ये कहा था कि अगर मैं जानती कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती। हाँ ये तो बात कही। लेकिन महाराज सुग्रीव, अरे सुलोचना के पिता तो भैया लक्ष्मण ही तो है। क्या सुलोचना के ये लक्ष्मण भैया पिताश्री है? हाँ। लेकिन परंतु इसे लंका किस पहुंचाया गया? अरे सुग्रीव, यही तो कारण है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया लक्ष्मण सुलोचना के पिता किस प्रकार से हुए और लंका किस प्रकार से सुलोचना पहुंची? हाँ प्रभु। एक बार की बात है, भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ में अति पुनीत स्थान पर बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, कि अति पुनीत गिरिवर कैलाश। अरे अति पुनीत गिरिवर कैलाश, जहां सदा शिव उमा निवास। शंकर देवी पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान एक दिन की बात है, देवी पार्वती जी के मन में एक चेष्टा जगी कि हम भगवान शंकर का श्रृंगार करें। देवी पार्वती जी भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही हैं कि सर्पन हार हमें बना दी। भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, गले में सर्पों की माला, कान में बिच्छू के कुंडल पार्वती जी ने भगवान शंकर को पहनाया। और हाँ प्रभु, जब कलाई में बांधने के लिए कोई वस्तु ना मिली तो पार्वती जी ने क्या किया? क्या किया प्रभु? कि शेषना गया वाहन की धार, शेषना गया वाहन की भगवान का पार्वती जी ने आवाहन किया और जेहु शेष भगवान को खींच करके भगवान शंकर की कलाई में बांधा है, शेष भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन आंसुओं की धारा से दो कन्याएं उत्पन्न हुई। वो कन्याएं कौन कौन है प्रभु? महाराज सुग्रीव की एक का नाम नाम सुने ना भाखा, पूजा नाम सुलोचन राखा। एक नाम सुने ना भाखा, पूजा नाम सुलोचन राखा।
लड़की का नाम सुनैना और दूसरी का नाम सुलोचना। यही दशकंधर कर लिया करता था। एक दिन शेष भगवान के यहाँ कर लेने के लिए गया और जब कर में कोई वस्तु न मिली तो सुलोचना नाम की लड़की को कर के रूप में लेकर के अपनी लंका को आ गया। और ये दशानन बहुत बड़ा बुद्धिमान है, रावण से बढ़कर के बुद्धिमान ना आज तक हुआ है ना आगे आने वाले युग में उत्पन्न होगा। ये दशानन बहुत बड़ा बुद्धिमान है। दशकंधर बलवान है। सुलोचना नाम की लड़की को मेघनाथ के शासमुद्र का विवाह कर दिया। अच्छा प्रभु, आज ज्यों ही सुलोचना ने कहा, अगर मैं जानती कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता श्री को बुलवा लेती। आज जो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण है, ये पूर्व जल में शेषनाग अवतारी थी। बस इसी एक बात को सुन करके मेघनाथ का कटा हुआ शीश इस रामादल में हंसने लगा। प्रभु, जब बात आपसे पूछा मैंने और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। अरे गलती की क्या बात है, तुमने मुझसे प्रश्न किया, मैंने तुम्हारी शंका का समाधान किया। महाराज सुग्रीव, चलो प्रभु शिविर में बैठ करके विश्राम करते हैं और इंतजार करते हैं कल का, कि वो महाअभिमानी दशकंधर कल युद्ध में किसे भेजा है। हाँ प्रभु, सिया राम कहो राधे श्याम कहो, सिया राम कहो सिया राम कहो। अब चलती हूँ, अपने पति का शीश लेकर के चिता में सानंद बैठ करके सती होती हूँ। अब क्या है मेरे पास में, कौन है मेरा इस संसार के मध्य। हे भगवान, यो दुनिया के रखवाले सुनो दर्द भरे मेरे आग भरी सांप
हाँ प्यारे भक्तों।